नमस्कार, स्वागत करते हो एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के। आज शुरू में हम बात करेंगे महिंद्रा थार रॉक्स का 4x4 की जो प्राइसिंग है वो आउट हो गई है, यानी कौन सा वेरिएंट कितने प्राइसिंग में आपको मिलेगा 4x4 में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये गाड़ी हमें 18 लाख में 4x4 में मिल जाएगी ऑन रोड, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर यार महिंद्रा वालों ने थोड़ी सी चालाकी की और जो प्राइसिंग है काफी ज्यादा रख दिया है, तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं टूटी है। आज की वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से वेरिएंट में आपको 4x4 देखने को मिलेगा और कौन से में आपको मैनुअल या ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महिंद्रा थार रॉक्स के 4x4 के प्राइसिंग आउट हुए हैं और जो प्राइसिंग आउट हुए हैं मैं आपको बता दूं, 18.79 लाख से शुरू होकर ऑल द वे 22.49 लाख तक ये रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि 20 लाख में आपको गाड़ी पड़ जाएगी, नहीं, जब आप रोड टैक्स ये सब जोड़ोगे काफी ज्यादा ऊपर जाएगी। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं और मैं आपको सिंपल और बिना किसी ज्यादा टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूं। अगर आप थार रॉक्स 4x4 लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगी AX5 में। अगर हम बात करें, इसमें सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा AX5 में। इसका मतलब इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो रखी गई है 18.79 लाख रुपीज। और अगर हम बात करें यहां पर, अगर आप AX5L में लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगी नहीं 4x4 में। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा AT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही जाना पड़ेगा, जिसका आप पे करेंगे 20.99 लाख रुपीस, यानी कि मैं आपको बता दूं ये ऑन रोड 25 के आसपास पड़ेगी, 24-25 के आसपास पड़ेगी, डिपेंड ऑन आप कौन से स्टेट में इसको ले रहे हैं। दूसरा, अगर आपको AX7L यानी लग्जरी लेना है तो यह आपको मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक दोनों में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन की तो इसका प्राइस रखा गया है 20.99 लाख रुपीस, और अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो 22.49 लाख रुपीस इसका रखा गया है, यानी कि अगर आप 18 लाख वाली लेते हैं 4x4 जो कि 18.79 लाख एक्स शोरूम पड़ती है AX5 4x4 में, तो अगर आप ऑन रोड जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 23 लाख के आसपास पड़ेगी या 22 लाख के आसपास, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यार प्राइसिंग जो है काफी ज्यादा रखी गई है और लोग काफी ज्यादा शौक हैं। और अगर हम बात करें, अगर आप 4x4 के शौकीन हैं तब तो आप खरीद लेंगे, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग थोड़ी सी तो ज्यादा रख दी गई है। बाकी रियर व्हील ड्राइव लेना चाहते हो तो यार पेट्रोल में ये आपको पड़ जाएगी 12.99 लाख रुपीज मैनुअल ट्रांसमिशन, तो जो कि आपको लग रहा था कि जो 4x4 है उसका भी प्राइस ज्यादा नहीं रहेगा, बट यार यहाँ पे थोड़ा सा महिंद्रा ने गेम खेल लिया और मैं भी काफी ज्यादा शौक हूँ यहाँ पर प्राइसिंग देखने के बाद। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएगा आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करेगा। दिस इज मी साइनिंग ऑफ रफ्तार से 11। जय हिंद, जय भारत।